ये जो डिस्ट्रिक्ट में अदरवाइज छोटी यहाँ कोई बना भी है सर, आज यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, बिजली का नहीं है, कनेक्शन नहीं था, एक रुपए उसी का ही एनरोलमेंट कर रहे हैं जो हमारे एडोलसेंट हैं, क्योंकि हमारी जो 6,16,000 की पॉपुलेशन है और उसमें सर मैं ऊपर भरोसे पंजाब से कंबाइन चाहते हैं सर, जो भी हमारा यूथ है स्टेट का माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी उपस्थित हुए, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हो रहा है तालियों से बधाई देता हूं गदियाल गांव के लोगों को। दूसरा इनॉग्रेशन वाटर सप्लाई स्कीम कोर कस्बा की है, जिसमें 2,16,00,000 से कम 333 परिवारों को फायदा होगा। तीसरी इनॉग्रेशन वाटर सप्लाई स्कीम खेती बालता, तालियां जरूर बजाइएगा, ये सब विकास के काम है और आप सब लोगों तक वो बुनियादी सुविधाएं पहुंचे उसके लिए सरकार प्रयासरत है। चौथी इनॉग्रेशन वाटर सप्लाई स्कीम स्तूरा की है, जिसमें 2,33,00,000 से 1,101 लोगों को फायदा होगा। पांचवी इनॉग्रेशन पीएडीपी मॉडल विलेज सीएफसी बिल्डिंग कोड पुलों की है, जो 50,00,000 से तैयार होगी, ब्लॉक महीन है। जोरदार तालियां इस इनॉग्रेशन के लिए। और दूसरा इनॉग्रेशन अपग्रेडेशन होगा हाई स्कूल कोड पुलों का, 40,00,000 से ये बिल्डिंग तैयार होगी, ये भी ब्लॉक मड़ी में है। स्मार्ट स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम, जिसके तहत 25,000 रुपया और 5 ग्राम सोना दिया जाता है, उसके मुताबिक पैसा यानी कुल मिला के 40,000 की एड दी जाती है शिव माया और पल्लवी, शिवमाया और पल्लवी डिपार्टमेंट की तरफ से ये सहायता इनको इनके शादी पर, महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम सरकार का। सानिया भारद्वाज मेरिटोरियस लड़की है, इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से टैबलेट दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें मुख्य रूप से एक तो सभ्य समाज की जो न्यूनतम आवश्यकताएं सड़क बिजली पानी, उसे अविलंब पूरा करना हर व्यक्ति और हर पंचायत तक, औद्योगिक निवेश बढ़ाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर मिले, किसानों को और ख़ासतौर से हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में डेयरी और फ्लोरिकल्चर में जम्मू कश्मीर का पोटेंशियल, उसे आगे बढ़ना, ये जब काम होंगे तो मुझे लगता है कि भारत की सेना काफ़ी सक्षम है। और बाकी चीज़ों का ध्यान हमारे सुरक्षा बल और पुलिस के लोग रखेंगे। कोई के लिए जो जिला केंद्र पर लोगों को जाना पड़ता था, अब विकास खंड में ब्लॉक पर होने के कारण आसपास के लोग यहीं आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहते हैं कि दवाई भी और कड़ाई भी, पूरी SOP का पालन हम खुद से करें। मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो जल्द ही अच्छी स्थिति। आपने बाद में सुना नहीं, मैंने सबसे बात कर ली है और अगर कोई
किसी को किसी बात का ये है तो आकर मिले, मैं निश्चित रूप से सबसे मिलने को। आपके कमांडो का अपहरण किया गया सर, सुना है किस तरह प्रयास किए जा रहे हैं सर? ये ऐसे प्रयास नहीं है जो सार्वजनिक रूप से बताए जा सके। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के गृह मंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, हमारी पूरी संवेदना उस जवान के साथ है और मैं पूरा आश्वस्त हूँ वो सकुशल वापस आएगा, भगवान जल्दी उसे वापस आएगा।